अगर मैं आपको ये बोलूं भी आप बस के किराए में एक गाड़ी में फोर व्हीलर में सफर कर सकते हो, वो भी आपकी लोकेशन से आपको लेके जाएगी, जहां पे आपने पहुंचना है वहां छोड़ के आएगी, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ी हैरानी होगी ना। मुझे भी ऐसी हैरानी हुई थी जब मैं इस ऐप के बारे में जाना था। तो इंडिया में एक ऐसी ऐप लॉन्च हो गई है जिसमें आप कहीं भी एक सिटी से दूसरी सिटी में या इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाना है, तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको ना तो ट्रेन पकड़ने की जरूरत है और ना बस पकड़ने की जरूरत है। ये गाड़ी आपको आपके लोकेशन से लेके जाएगी, जहाँ पे आपने पहुंचना है वहां छोड़ के आएगी, वो भी बस के किराए में। जी हाँ फ्रेंड, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसका किराया बड़ा जेन्युइन होता है। इस ऐप की ऐसी पॉलिसी है, ये बस के किराए से ऊपर आपसे किराया नहीं ले सकते। तो फ्रेंड, मैं एक एक स्टेप आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो आज के कोविड के टाइम पे। आपने देखा होगा फ्रेंड, आपने ट्रेन पे जाते हो तो आपको पहले ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ती है और रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। अगर आप मतलब बस में जाते हो तो बस स्टैंड जाना पड़ता है, बस स्टैंड जाते हो तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आप ही परेशान हो जाते हो। तो अभी इंडिया में एक ऐसी ऐप लॉन्च हो गई है जिसमें आप उसी किराए में बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से आप अपना एक जगह से दूसरी जगह पे कार में जा सकते हो, वो भी बंदा आपकी लोकेशन से लेके जाएगा। अगर आप भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपनी कार लेके जा रहे हो, तब भी आप इस ऐप में अपनी कार को ऐड कर दीजिए और जिस बंदे ने बुकिंग करेगा, इस ऐप के थ्रू बुकिंग होगी, जो बंदा आपको बुकिंग करेगा उस बंदे को आपने वहां से पिक करना है, जहां वहां जाना चाहता है वहां उसको ड्रॉप कर देना, वो किराया आपको गाड़ी में देके जाएगा। तो बड़ी कमाल की ट्रिक है फ्रेंड, इसमें आपका तेल का खर्चा भी निकल जाता है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपका फालतू का बस स्टैंड जाना, रेलवे स्टेशन जाना, ये पूरी की फ्रस्ट्रेशन से भी आप बच सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक एक स्टेप आप फॉलो करना, कैसे आईडी बनाते, कैसे खुद की गाड़ी डालते, कैसे हम अपनी बुकिंग करनी है, कैसे गाड़ी को अपनी जगह बुलाना है, तो कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है, इस वजह से आप वरी मत होना, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच सके। चलो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने फोन के ऊपर। अभी मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको जाके बड़ी ही इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे फ्रेंड इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले साइन अप का ऑप्शन मांगेगा, तो हमने सबसे पहले साइन अप पे ओके करना है। जैसे फ्रेंड हम साइन अप पे ओके करेंगे तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हो, अगर फेसबुक यूज करते हो तो। मैं फेसबुक यूज नहीं करता, मैं साइन अप विद ईमेल आईडी करूंगा। तो जहां पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं, मेरी जो भी जो ईमेल आईडी है, मैं वो ईमेल आईडी से आपको साइन अप करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं देखो इस पे साइन अप हो चुका हूँ। जैसे फ्रेंड हम साइन अप हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे आप सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद फ्रेंड आपने अपना एक नंबर है, जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, जो मैंने वेरीफाई करवा रखा है, आप जहाँ अपना आपका एक ऐड नंबर का ऑप्शन आएगा, तो जैसे आप नंबर डालोगे तो उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपने जहाँ भर देना है तो वहां से आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पे आप अपनी कार डाल भी सकते हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो भी आप मेरठ के रहने वाले दिल्ली जा रहे हो, तो जहाँ पे अपनी कार ऐड कर दीजिए। आप अकेले जा रहे हो, आपको लगता भी आप चार पैसेंजर और लेके जा सकते हो, तो जहाँ पे अपने अपनी कार ऐड कर दीजिए, जहाँ पे कार ऐड कर दीजिए, वो कैसे पैसेंजर ऐड करने हैं वो मैं आपको बीच में बता दूंगा बाद में, जैसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इससे मान लो कि किराया कमा भी सकते हो और खुद भी जा सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन होता है सर्च, जैसे मैं मेरठ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं आपको जस्ट डाल के दिखा रहा हूँ। मान लो मैं मेरठ बस स्टैंड से जाना चाहता हूँ, जहाँ गोइंग टू आ गया, मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट डालना चाहता हूँ, जहाँ टू डे का ये टाइम आ गया, वन पैसेंजर आ गया, जहाँ से आप पैसेंजर की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो, एक दो या जितना भी, फिलहाल मैं एक ही रख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सर्च मारता हूँ, जैसे सर्च मारेंगे तो आपके सामने ये आ गया, ये देखो 10:30 बजे मेरठ से ये चलेगा दिल्ली, दिल्ली के लिए किराया 300 रुपये। ठीक है,
तो ये इसने मान लो कि अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है बिना नाम है, जो ये 300 रुपये है जी आपको कार में देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं आपको यहाँ पे 300 देना है, वहां से बार्गेनिंग भी हो जाती है, थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो जाए वो भी हो जाता है। तो जहाँ पे अगर मेट से आप गुड़गांव जाना है, मेट से ये जो पूरा रास्ता है जो दिल्ली का, इसमें कितनी गाड़ियां चलेगी, ये टाइम के हिसाब से रात को 11:30 बजे चलेगी, 1 बजे पहुंचेगी। तो आप अपने टाइम के हिसाब से जिस भी गाड़ी के, मान लो आपने ये फर्स्ट वाली गाड़ी पे, इस पे आपने, आपको सही लग रहा है भी ये वाली गाड़ी को मैं जाना चाहता हूँ, 300 रुपये भी जाया जाए, क्योंकि आपकी जगह से उठाएगी और आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आएगी, कोई ऑटो को रास्ते में कहीं परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जहाँ पे आपने इस पे जैसे ही क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे फ्रेंड कंटिन्यू कर देंगे तो जहाँ पे 1 सीट लिखा है 300 कैश पे इन द कार, तो जहाँ इस पे भी दिखा भी रखा है भी आपको कार में पेमेंट देना है, पहले आपने जहाँ ऐप के थ्रू कोई पेमेंट नहीं देना है, आपके पास कार आएगी, कार में बैठोगे, आपको कंफर्टेबल लगेगी तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप मना भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद ये रिक्वेस्ट उसके पास सेंड हो गई है, तो वो आपको मतलब कि बैक कॉल भी कर सकता है या मैसेज भी कर सकता है, क्योंकि आपने नंबर वेरीफाई किया है, तो उसके इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा आपके जहाँ इनबॉक्स में आ जाएगा इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। दूसरा जहाँ ऑप्शन आता है, मतलब कि जहाँ तो बुक हो गया, जहाँ पे आप यू आर राइट जो लिखा हुआ है ऑप्शन, जहाँ पे आपको दिखाता है भी आपने कौन सी चीज बुक की है, जहाँ आप 2 गाड़ी बुक कर सकते हो, 3 गाड़ी बुक कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ के राइड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा आता है ये पब्लिश का ऑप्शन आता है, तो जहाँ पे ये फ्रेंड ये आता है, ये तो हो गया भी आप किसी की गाड़ी पे बैठ के कहीं जाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन स्पेसिफिकली उसके लिए है, मान लो आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो, मान लो मेरठ से आप दिल्ली जा रहे हो, तो जहाँ पे आप जहाँ जूज करंट लोकेशन, जहाँ मेरठ बस स्टैंड, जो भी पार्टिकुलर जगह उसका नेम दे दीजिए, जैसे मेरठ बस स्टैंड मोस्टली बंदे मतलब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, तो मैंने वहाँ पर लगा दिया। अभी ड्रॉप ऑफ मैंने कहाँ करना है, मान लो मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे मैंने दिल्ली दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने डाल दिया, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन डाल दिया, तो जहाँ पे यहाँ एड सिटी, और भी अगर रास्ते में आप गाजियाबाद के लिए कोई पैसेंजर उठाना चाहते हो तो वो भी आप जहाँ से उठा सकते हो। उसके बाद जहाँ से आप नेक्स्ट कर लोगे, वेन आर यू गोइंग, आप कब जाना चाहते हो, कल की डेट में जाना चाहते हो, जिस भी डेट में आप जाना चाहते हो, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कल, परसों, जब भी, मान लो मैं कल जाना चाहता हूँ, जब मैं कल की डेट डाल दिए, जहाँ आप आ जाएगा अभी टाइम कब जाना चाहते हो, मान लो मैं 8 बजे जाना चाहता हूँ, जहाँ से आप टाइम भी अमेंड कर सकते हो, मान लो मैं सुबह 5 बजे जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने 5 बजे डाल दिया है, उसके बाद मैं ओके कर दिया है, ठीक है। ये लिखा थिंक कम्फर्ट कीप द मिडल सीट एम्प्टी, ये कहना भी तुसी मतलब भी कम्फर्ट हो भी आपकी जो मिडल सीट है, पीछे वाली सीट है वो खाली है, उस पर आप पैसेंजर लेके जा सकते हो, या श्योर कर देंगे हम यहाँ से। और उसके बाद ये बोलते हैं भी आप कितने पैसेंजर लेके जा सकते हो, जहाँ से आप 3 पैसेंजर भी लेके जा सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो, उसको कम भी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, मान लो मैं एक ही पैसेंजर लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने एक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, कैन जा पैसेंजर बुक इंस्टेंटली, ये बोल रहा है भी आपका जो पैसेंजर है आपकी गाड़ी अभी बुक कर सकता है, या श्योर, मैंने ओके कर दिया है, तो जहाँ से ये ओके हो जाएगा, उसके बाद ये रेट लिखा हुआ है, मान लो दिल्ली का रेट ये लिखा हुआ है, अगर 100 रुपये हम पर पैसेंजर से ले सकते हैं, उसके अलावा मान लो भी हमें नहीं लगता, हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो जहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हो, मैंने 100 रुपये ही रख दिया। ये बोल रहा है भी आप दिल्ली से वापस कब आ रहे हो, ठीक है, तो जहाँ हम अगर वही रहना चाहते हो तो नो थैंक्स कर देंगे, अगर हम वापस की भी बुकिंग करना चाहते हो जहाँ से ही बुक हो जाएगा। इससे फ्रेंड मान लो भी मैं नो थैंक्स कर दिया, तो ये आपकी गाड़ी जहाँ से पब्लिक से ये हो जाएगी, अबाउट राइड के इसके बारे में आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो भी, आपका जो पैसेंजर किस टाइप का होना चाहिए, स्मोकिंग वाला होना चाहिए, बातचीत करने वाला, कोई गाने पसंद करता है, कोई किसी के पास पेट होता है, तो इस तरीके से आप अमेंडमेंट जहाँ पे दे सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे राइड कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये पूरा ओके हो चुका है, आप जब भी पैसेंजर आपकी बुकिंग करेगा तो आपको आपके जो इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा जो भी आपकी बुकिंग करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था ये पूरा इसका सेटअप, जो भी मैं आपको बताना चाहता था, जो भी इसमें जो पार्टिकुलर जगह थी, जो राइड या प्रोफाइल में आ गया,
जहां से आप बुक कर सकते हो, वहां जाने के लिए जहां पब्लिक्स में आप अपनी खुद की गाड़ी डाल सकते हो, आपने जाना कहाँ है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन डिटेल में आपको बताने के लिए इतना बताना जरूरी था ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो सके इस वीडियो में, क्योंकि जाना चाहते हो तो इतना बहुत है। अगर आप मतलब भी अपनी खुद की गाड़ी लेके जाना चाहते हो जहाँ से भी आप, तो तेल का किराया तो कम से कम तेल का खर्चा तो बच ही जाएगा, जो बहुत ही काम की ऐप है। उम्मीद करता फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो बढ़िया लगी है, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड तब तक आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।